आईपीएल 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी ओवर में 16 रन। क्रीज पर मौजूद थे ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर, लेकिन फिर हुआ मैच में यह चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और किरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स को। दोनों टीमें अपनी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। परब सिमरन सिंह और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत की, तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर परब सिमरन सिंह के बल्ले से ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए के एम आसिफ की पांचवी गेंद पर बेहतरीन छक्का परब सिमरन सिंह के बल्ले से देखने को मिला और यह छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से काफ़ी शानदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट जब तीसरा ओवर लेकर आए तो यहां पर शिखर धवन ने बेहतरीन चौका बटोरा। शिखर धवन ने स्क्वायर लेग की तरफ से शानदार चौका लगाया। वहीं पर ट्रेंट बोल्ट के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा और बैक टू बैक दो चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की पहली गेंद पर परब सिमरन सिंह ने एक और शानदार चौका लगाया, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए के एम आसिफ की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने बल्ले को टच करके गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला और इस मुकाबले का अब तक का ये सबसे बेहतरीन शॉट था जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन छक्का बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों, इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी परब सिमरन सिंह ने एक और शानदार चौका लगाया और इस पूरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीन चौके और एक बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, पांचवा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर परब सिमरन सिंह ने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन रविचंद्रन अश्विन के इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया परब सिमरन सिंह ने और बैक टू बैक दो चौके यहां पर भी लगा दिए। इसके बाद अब जोसन होल्डर को यहां पर गेंदबाजी के लिए छठा ओवर डालने आए, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी एक शानदार चौका लगाया, जबकि एक कैच जरूर छूट गया था यहाँ पर परब सिमरन सिंह का देवदत्त पड्डीकल से। लेकिन इसके बाद एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर परब सिमरन सिंह ने अपने आईपीएल इतिहास की पहली 50 मात्र 28 गेंदों पर ही पूरी कर ली। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद आठवें ओवर की पांचवी गेंद पर यजवेंद्र चहल की गेंद को बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिखर धवन ने। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर नौवा ओवर डालने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पर परब सिमरन सिंह ने और फ्लैट वेट के साथ उन्होंने छक्का बटोरा। इसके बाद दसवां ओवर डालने आए जेसन होल्डर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे परब सिमरन सिंह, लेकिन यहां पर जोस बटलर के एक बेहतरीन कैच ने परब सिमरन सिंह की इस आक्रामक पारी को समाप्त किया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 34 गेंदों पर 60 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे भानुका राजपक्षे, लेकिन दोस्तों आज के इस मुकाबले में भानुका राजपक्षे की शायद किस्मत ठीक नहीं थी, क्योंकि शिखर धवन ने एक ऐसा शॉट खेला जो जाकर उनके सीधे हाथ पर लगा और इसके बाद वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए क्योंकि चोट गंभीर थी, जिसके चलते वो रिटायर्ड हट हो गए और यहाँ पर बड़ा झटका लगा पंजाब किंग्स को, क्योंकि काफ़ी शानदार फॉर्म में थे भानुका राजपक्षे लेकिन इस मुकाबले में अपना योगदान नहीं दे पाए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे जितेश शर्मा, हालाँकि इसी बीच आते ही शर्मा ने यजवेंद्र चहल की गेंद पर शानदार चौका लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना शानदार तरीके से खाता भी खोल दिया आज का चौकों का। लेकिन इसके बाद दोस्तों, एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन यजवेंद्र चहल के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन के बल्ले से भी बेहतरीन छक्का देखने को मिला और इसी के साथ इस ओवर में पंजाब किंग्स के दोनों बल्लेबाजों ने 18 रन बटोरे। जबकि इसके बाद यहाँ पर 13वां ओवर डालने आए के एम आसिफ के ओवर में शिखर धवन ने एक शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया शिखर धवन ने और एक और शानदार चौका बटोरा। इस चौके के साथ ही अब शिखर धवन पहुंच चुके थे 46 रनों पर, लेकिन वो अपने 50वें आईपीएल 50 से सिर्फ 4 ही रन दूर थे और अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 36 गेंदों पर ही पूरा कर लिया और एक शानदार पारी रही इनकी। इसके बाद दोस्तों यहां पर ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर जब ओवर डालने आए तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार शानदार छक्का जड़ा ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर जितेश शर्मा ने और दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर यजवेंद्र चहल के एक और शानदार चौका लगाया शिखर धवन ने। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यजवेंद्र चहल ने अच्छी वापसी की और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा जो कि बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रियान पराग को अपना आसान सा कैच थमा बैठे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यजवेंद्र चहल को इस मुकाबले में पहली सफलता मिली और जितेश शर्मा 16 गेंदों पर 27 रनों की शानदार पारी खेलकर पेवलियन लौटे। वहीं पर अब 16 ओवर की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था मुकाबला, लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सिकंदर रजा, लेकिन सिकंदर रजा रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिकंदर रजा को आउट करके पेवलियन भेजा रविचंद्रन अश्विन ने। सिकंदर रजा इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों जेसन होल्डर ने 18वां ओवर शानदार डाला, लेकिन उनकी इस ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का बटोरा। शिखर का यह शॉट काफी कमाल का था। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर केएम आसिफ की गेंद को बेहतरीन तरीके से विकेट के पीछे बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिखर धवन ने और एक और छक्का बटोरा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया शिखर धवन ने, जबकि दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस चौके के बाद एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शाहरुख खान, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और बड़ा शॉट गया सीधे एक बार फिर जोस बटलर के हाथों में और उन्होंने कमाल का कैच पकड़ते हुए पेवलियन भेजा शाहरुख खान का, जिन्होंने 10 गेंदों पर 11 रन बनाए। और इसी के साथ दोस्तों यहां पर निर्धारित 20 ओवर में पंजाब किंग्स की टीम ने 197 रन बनाए। शिखर धवन ने शानदार 86 रनों की पारी खेली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल तो उनके साथ थे रविचंद्रन अश्विन, लेकिन मुकाबले की पहली ही गेंद पर सैम करन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने और छक्के के साथ इस लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया राजस्थान रॉयल्स ने। वहीं पर शानदार छक्का लगाने के बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह के बेहतरीन चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल गलती कर बैठे और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। अर्शदीप सिंह ने उन्हें कैच करवा कर पेवलियन भेजा, 8 गेंदों पर 11 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों जोस बटलर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने तीसरी गेंद पर सैम करन के बेहतरीन चौका लगाया तीसरे ओवर की, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर रविचंद्रन अश्विन जो कि दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों का सामना करने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही आउट हो गए। उन्हें भी अर्शदीप सिंह ने पेवलियन भेजा। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहे जोस बटलर और उन्होंने भी अर्शदीप सिंह की ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब उन्होंने हरप्रीत ब्रार के बेहतरीन चौका लगाया, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी संजू सैमसन ने। तो वहीं पर इसके बाद 6ठा ओवर डालने आए नेथन इलिस की पहली ही गेंद पर एक और शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर के रूप में एक और सफलता मिली पंजाब किंग्स की टीम को और कोटिन बोल्ड होकर पेवलियन लौटे जोस बटलर। इस मुकाबले में जोस बटलर उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेवलियन लौट गए।
इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी संजू सैमसन के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन संजू सैमसन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया राहुल चहर की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दूसरे छोर से पड्डीकल बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे और इसी के दबाव में 11वें ओवर के आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया और शानदार 42 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज रियान पराग क्रीज पर उतरे तो रियान पराग ने आते ही अपना खाता बेहतरीन छक्के के साथ खोला। उन्होंने शानदार तरीके से राहुल चहर की गेंद पर 98 मीटर दूर एक छक्का लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे सिकंदर रज्जा की गेंद पर एक चौका देवदत्त पड्डीकल के बल्ले से जरूर देखने को मिला। वो भी शॉट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक चौका जरूर मिला। इसके बाद एक और शानदार छक्का सिकंदर रज्जा की गेंद पर ही लगाया रियान पराग ने। तो वहीं पर रियान पराग ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर नेथन इलिस की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे रियान पराग, जिन्होंने 12 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए देवदत्त पड्डीकल भी, जो कि आज के इस मुकाबले में शायद राजस्थान रॉयल्स की हार का सबसे बड़ा कारण बने। उन्हें पड्डीकल को नेथन इलिस ने बोल्ड किया, वो 26 गेंदों पर सिर्फ 21 रन ही बना पाए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद सिमरन हेटमायर ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर नेथन इलिस की गेंद को बेहतरीन तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद अब 23 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन नेथन इलिस के इसी ओवर की पांचवें गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दुरल जोयल ने बेहतरीन छक्का लगाया और ये छक्का भी कमाल का था और इस ओवर का दूसरा छक्का था। इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने आए सेम करण की दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया सिमरन हेटमायर ने और इस ओवर की शानदार शुरुआत कर दी, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब यहां पर इस ओवर की तीन गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बना चुके थे सिमरन हेटमायर। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी सिमरन हेटमायर के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह छक्का 69 मीटर ही दूर जाकर गिरा, लेकिन बेहतरीन तरीके से इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दुरुल जोयल के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। पहली गेंद अच्छी यॉर्कर थी, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दुरुल जोयल ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा और इस छक्के ने ऐसा लगाया कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ ये मुकाबला चला गया हो। लेकिन इस छक्के के बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि तीन गेंदों पर अब वो 14 रन बना चुके थे। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक कैच ड्रॉप हुआ और यहाँ पर इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की और मात्र 22 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए राजस्थान रॉयल्स को 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों दुरल जोयल पहली गेंद पर सिर्फ एक ही रन ले पाए। वहीं पर दूसरी गेंद पर सिमरन हेटमायर ने 2 रन लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर एक बार फिर 2 रन लेने के चक्कर में सिमरन हेटमायर रन आउट हो गए। सिमरन हेटमायर का रन आउट होना और तीन गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही आए थे, जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर एक बार फिर दुरुल जोयल सिर्फ एक ही रन ले पाए, वो भी बाई का। अब आखिरी दो गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे टीम के लिए जेसन होल्डर, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही रन बना पाए और पंजाब की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। लेकिन आखिरी गेंद पर दुरुल जोयल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से जीत मिल गई पंजाब किंग्स को। तो दोस्तों ये रोमांचक मुकाबला देखकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।